हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान डबल कलर नीटिंग पैटर्न बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे इवन नंबर्स में फंदे लेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 20 फंदे लिए हैं और इसे मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है स्वेटर में। बॉर्डर बनाने के बाद आप यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैं अभी बताऊंगी। तो देखिए, हम यहाँ पे अब सेकंड कलर लगाएंगे। सिलाई पूरा सीधा बुनना है। ये एक सिलाई पूरा सीधा बना लिया है। अब हमें दूसरी सिलाई पूरा उल्टा बुनना है। तो हम पिंक कलर से ही एक ये सिलाई भी पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दें। ये दूसरी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरी तीसरी सिलाई है। यहाँ पे हम वापस से अपना ये ब्लू कलर लगाएंगे। तो हम ब्लू कलर से ये पहले दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर उसके बाद देखिए, हमें ये यहाँ से ये जो ब्लू वाला फंदा ये बीच में दिख रहा है, इसके बीच में से एक फंदा बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हम दो फंदे ब्लू कलर से ही सीधा बुनेंगे और फिर हम ये जो बीच वाला है इसके अंदर से एक फंदा बनाएंगे। फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। और ये देखिए, जो बीच में ये दो ठो ब्लू लाइन दिख रही है, इसके हमें बीच से ये एक फंदा बनाना है। सिलाई में हमें हर दो फंदे सीधे बुनने के बाद ये एक फंदा नीचे से बनाना है। तो ये सिलाई हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ले। अब ये तीसरी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरी चौथी सिलाई है। इसमें देखिए, हमें ये ब्लू कलर से ही बुनना है। तो ये जो दो फंदे हमने आगे से सीधे बुने थे, वो हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। और जो फंदा हमने ये नीचे से बनाया था, उसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे उल्टा बुनेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा वाला फंदा है उसे स्लिप कर लेंगे और ये जो दो सीधे फंदे थे उसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह का बन गया है। अब ये मेरी पांचवी सिलाई है। इसमें देखिए, हमें कलर चेंज करना है। तो हम ये पिंक कलर से
पहले तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद देखिए जो फंदा हमने नीचे से बनाया था उसके किनारे के दोनों फंदे हमें बुनने हैं, और इस फंदे को हमें इस बार भी नहीं बुनना है। उसके पहले देखिए हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये वाला फंदा जो है हमें इस साइड लाना है, तो इसे हम इस तरह से करके इस सिलाई पर ले लें। तो देखिए ये वाला फंदा इस साइड आ गया, और इस वाले फंदे को इस पर वापस से ले लें और इसे हम सीधा बुन लें, और ये एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे, और उसके बाद ये वाला जो फंदा है इसे हम आगे की तरफ गिरा दें। अब यही चीज़ हमें फिर से करना है, ये बनाया हुआ फंदा है हमने जो नीचे से बनाया था, तो वापस से हम इसे इस सिलाई पर लेंगे और इसमें से ये वाले फंदे को हम इसी पर रहने दें, और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है। और दूसरे वाले को भी, यानी यहाँ दो फंदे सीधे बुनने के बाद हमें ये वाला फंदा आगे की तरफ गिरा देना है। अब यही चीज़ बार बार करना है। अब ये लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे हमें सीधा बुनना है। तो ये पांचवी सिलाई भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरी छठी सिलाई है, इसे हमें पूरा उल्टा बुनना है, तो ये सिलाई हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ले। ये सिलाई पूरा उल्टा बुन लिया है। अब देखिए वापस से हम यही डिजाइन रिपीट करेंगे, जैसे हमने नीचे पिंक कलर से दो सिलाइयाँ बुनी थी वैसे अब यहाँ पे भी दो सिलाइयाँ पिंक कलर से हो गई हैं। अब इसके बाद हम ये ब्लू कलर लगाएंगे, तो ब्लू कलर से लगाएंगे और यहाँ नीचे से हमें एक फंदा भी बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ नीचे ये दो फंदों के बाद एक फंदा बनाया था, अब यहाँ पे हम तीन फंदे बुनने के बाद एक फंदा बनाएंगे ताकि ये इन दोनों डिजाइन के बीच में एक डिजाइन आए। तीन फंदे बुन लिए, उसके बाद हमें ये इन दोनों के नीचे से एक फंदा बनाना है, फिर उसके बाद हम दो फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हमें यहाँ नीचे से फंदा बनाना है, तो ये देखिए जो दो पिंक है कलर उसके नीचे से हम ये फंदा बनाएंगे। फिर हमें ये दो फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये सिलाई हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे लास्ट में हमने तीन फंदे सीधे बुने हैं। उसके बाद इस सिलाई में हम जो फंदे हमने आगे सीधे बुने थे वो हमें यहाँ उल्टे बुनने हैं, और जो फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं उसे स्लिप करना है। तो इस सिलाई को हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लें।
ये सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। इस सिलाई में हम ये जो एक्स्ट्रा फंदा है उसके दोनों किनारे वाले फंदे बुनेंगे। तो देखिए हम वापस से अपना ये पिंक कलर लगाएंगे और उसके बाद पहले हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद देखिए हम इन दोनों फंदों को इस सिलाई पर ले लेंगे और ये हम सीधा बुनेंगे फंदा और एक और फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इसे हम आगे की तरफ इस तरह से पलट दें। ये सिलाई हमें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई अब बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये सिलाई हमें पूरा उल्टा बुनना है तो इसे भी हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये भी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है। अब हमें वापस से यहाँ तक का रिपीट करना है। इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमें आगे बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।